फ्रेंड्स वेलकम टू अंसारी 29 माय माई नेम विशाब अंसारी दोस्तों आज के इस में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस ये क्वेश्चंस उन बेसिस पर है जिनको एटलीस्ट 6 मंथ का एक्सपीरियंस फायर एंड सिक्योरिटी इंडस्ट्री में और वो कैपेबल होना चाहिए ये जो मैं 10 क्वेश्चंस लेने वाला हूं उसके आंसर्स करने के देखिए मैंने जो ये वीडियोस बनाए वो बहुत ही बेसिक से बनाया हुआ है मतलब जो भी कैंडिडेट uh, जिनके पास एटलीस्ट 6 मंथ का इंटर्न एक्सपीरियंस है फायर एंड सिक्योरिटी इंडस्ट्री में और वो कोई uh, दूसरी कंपनीज में जो है साइट uh, इंजीनियर या सीनियर uh, या टेक्नीशियंस के लेवल पर या फिर जूनियर इंजीनियर या प्रोजेक्ट इंजीनियर या सर्विस इंजीनियर की लेवल पर इंटरव्यू देना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो ये आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये वीडियो जो है फ्रेशर्स या फिर एटलीस्ट मिनिमम सिक्स ईयर सॉरी सिक्स मंथ और वन ईयर के एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए है इसके साथ साथ जो भी हमारे दोस्त जो गल्फ इंडस्ट्री में फायर एंड सिक्योर इंडस्ट्री में जाने का ट्राई करें तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है वीडियो ये पार्ट वन वीडियो इसके बाद मैं ट्राई करूंगा टॉप टेन एक्सपीरियंस बेसिस पर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर वीडियो बनाने की दोस्तों दो ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और प्लस जो मेरे कलीग जो फायर एंड सिक्योरिटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, उन्होंने क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन फेस किया है जब वो फ्रेशर्स थे और एक्सपीरियंस थे उस बेसिस पर ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ तो दोस्तों बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं और इंटरव्यूज़ में आपको फायर एंड सिक्योरिटी इंडस्ट्री है और अगर आपको इंटरव्यू पूछता है वो आपसे बेसिकली ये जानना चाहता है कि आपको फायर अलार्म सिस्टम का नॉलेज है क्या तो आपसे बेसिकली एक ही क्वेश्चन पूछेगा अगर आप एटलीस्ट सिक्स मंथ का अपने पास एक्सपीरियंस है कि वॉट इज़ फायर अलार्म सिस्टम यानी अब वो ये जानना चाहता है कि आपको इस इंडस्ट्री के बारे में कितना पता है तो वो आगे इंटरव्यू स्टार्ट करेगा तो बेसिकली आपको सिंपली ये कहना है कि फायर अलार्म जो सिस्टम है वो हम लोग इसीलिए इंस्टॉल करते हैं ताकि हम लोग फायर और कार्बन मोनोऑक्साइड और ऐसी ऐसी जो डिटेक्शन जिसकी वजह से फायर लग सकता है उसको डिटेक्ट करने के लिए फायर अलार्म सिस्टम हम लोग जो इंस्टॉल करते हैं इसमें स्मोक डिटेक्टर होता है सर जो कि डिटेक्ट कर लेता है फायर को और हमारे पैनल को इंडिकेशन करता है आप एडिशनली आपको उसको ये इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं कि ये जो फायर अलार्म सिस्टम है वो मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक आपका हॉस्पिटल हो गया आपका प्लांट हो गया कॉर्पोरेट हो गया बिल्डिंग्स हो गया मैनुफेक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया यानी वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज में एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री हो गया आप जो है ये

कि वॉट आर द टाइप्स ऑफ अलार्म सिस्टम यानी वो जानना चाहता है कि आपने अगर इंडस्ट्री में काम किया है तो फायर अलार्म सिस्टम में आपने क्या क्या सिस्टम देखा हुआ है तो बेसिकली सिर्फ दो ही टाइप के आ, फायर अलार्म सिस्टम है एक होता है कन्वेंशनल और दूसरा होता है एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम इन दोनों पर डिटेल मैंने वीडियो बनाया आप थंबनेल पर देख सकते हैं ये वीडियो आप जाकर देख लीजिए वीडियो के बाद तो आपका जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको तीसरा क्वेश्चन वो ये बेसिकली पूछ सकता है कि वॉट आर द डिवाइस इन फायर अलार्म सिस्टम यानी अगर आपने फायर अलार्म सिस्टम इंडस्ट्री में काम किया सिक्स मंथ तो आपने क्या क्या डिवाइस वहां पर देखा है फील्ड में तो आप सिंपली से कह सकते हैं फायर अलार्म पैनल रिपीटर पैनल स्मोक डिटेक्टर हीट डिटेक्टर मल्टी सेंसर्स गैस डिटेक्टर फ्लेम डिटेक्टर मैनुअल कॉल पॉइंट जिसके एम बोलते हैं होटर साउंडर उसके बाद मॉड्यूल्स होते हैं आइसोलेटर हो गया आपका कंट्रोल मॉड्यूल मॉनिटर मॉड्यूल तो आप बेसिकली उसको ये चीज बता के ये बता सकते हैं कि मुझे मैंने इंडस्ट्री में सारी चीज़ें जो है देखी हुई हैं अब लेते हैं हमारा फोर्थ इंटरव्यू क्वेश्चन वो क्या हो सकता है वो आपको पूछ सकता है कि आ, फायर लाइम सिस्टम में कौन से क्लास की वायरिंग की जाती है टाइप ऑफ क्लासेस ऑफ वायरिंग किसको कहते हैं तो बहुत ही सिंपल इसका आंसर आप दे सकते हैं दो टाइप की क्लास वायरिंग यूज की जाती है क्लास ए और क्लास बी थोड़ा सा और लेवल अगर आपको बढ़ाना है तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जो एड्रेसेबल सिस्टम होता है उसमें हम लोग क्लास ए वायरिंग यूज़ करते हैं और जो कन्वेंशनल uh, होता है उसमें हम लोग क्लास बी यूज़ करते हैं क्लास ए को हम लोग लूप वायरिंग भी कहते हैं और क्लास बी को हम लोग जोन वायरिंग कहते हैं मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया था आप जो है कन्वेंशनल uh, और एड्रेसेबल का जब वीडियोज़ देखेंगे तो आपके कन्सेप्ट जो है पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा तो आप इस तरीके से ये आंसर दे आपका जो है इंप्रेशन जो है अच्छा बढ़ा सकते हैं इंटरव्यूज़ में

लेकिन अभी करंट सिचुएशन में हम लोग जो है फोटो इलेक्ट्रिक को ही यूज करते हैं तो आप जो तीन आंसर दे सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक आयोनाइजेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ उसका सिक्स क्वेश्चन ये भी हो सकता है दोस्तों कि अगर आपने फील्ड में काम किया तो आपको केबल्स का नॉलेज है तो आपको पूछ सकता है कि के जो केबल फायर इंडस्ट्री में हम लोग यूज करते हैं जो स्टैंडर्ड केबल है उसका स्पेसिफिकेशन क्या है तो बेसिक तो एकदम सिंपल सा उसका आंसर ये है टू कोर टू कोर वन पॉइंट फाइव स्क्वायर एम एम आर्म एफ आर एल एस केबल जो कि हम लोग फायर इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये रेड कलर का होता है यह आरमंड केबल होता है जिसका थिकनेस होती है टू कोर वन पॉइंट फाइव स्क्वायर मैम पॉजिटिव नेगेटिव दो ही कोर इसके अंदर दो ही जो है लीड्स जो ही दो वायर इसके अंदर होते हैं तो सिंपली से आ, आंसर आप दे सकते हैं अब हमारा सेवन्थ जो क्वेश्चन है वो ये हो सकता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू स्मोक डिटेक्टर तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसको आंसर दे सकते हैं आप पेपर पर पे ड्राइंग बना के बता सकते हैं कि जो स्मोक डिटेक्टर होता है वो 7.5 मीटर का जो रेडियस होता है वो कवर करता है जो हीट डिटेक्टर होता है वो 5.3 का कवर करता है और स्मोक डिटेक्टर टू स्मोक डिटेक्टर का जो डिस्टेंस होता है वो टेन मीटर होता है मैक्स और हीट डिटेक्टर टू हीट डिटेक्टर डिस्टेंस होता है वो होता है फाइव पॉइंट सॉरी सेवन मीटर और जो हीट डिटेक्टर और हीट डिटेक्टर का डिस्टेंस होता है वो होता है सेवन मीटर और अगर कॉरिडोर है कॉरिडोर एरिया में अगर आपने डिटेक्टर को इंस्टॉल किया तो मैक्सिमम जो उसका डिस्टेंस होगा वो फिफ्टीन मीटर होगा उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो आप बेसिकली ये आंसर देखें अपना और इंप्रेशन जो है वो बढ़ा सकते हैं इंटरव्यूज़ में तो बेसिक से आपको ये सिंपल ये आंसर देना है अब हमारा एट क्वेश्चन क्या हो सकता है वॉट इज एम सी पी एम सी पी क्या है तो सबसे पहले आपको उसका फुल फॉर्म बता देना है कि एमसीपी का मतलब होता है मैनुअल कॉल पॉइंट और ये क्यों यूज़ किया जाता है बेसिकली ये जो है कॉरिडोर एरिया और जो आपका स्टेयर केस एरिया वहां पर हम लोग बेसिकली इसको इंस्टॉल करते हैं इसका इंस्टॉल करने का पर्पज़ ये होता है कि अगर आप कितने किसी फायर को लगते हुए देख लिया है और जो डिटेक्टर सीलिंग पर है वो उतना जल्दी रिएक्ट डिटेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको टाइम लगेगा स्मोक को डिटेक्टर तक पहुंचने के लिए तो आपने अगर देख लिया तो आप मैन्युअली जो है कॉल करके यानी मैन्युअली कॉल पॉइंट को प्रेस करके सिंपली आप जो है फायर अलार्म को आ, ये सिग्नल भेज सकते हैं कि यहाँ पर जो है पर्टिकुलर एरिया में फायर हुआ तो बेसिकली फायर कॉल जो एम होता है मैनुअल कॉल पॉइंट उसका यूज़ इसीलिए किया जाता है इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ एम सी होते हैं मैंने ऑलरेडी प्रीवियस में वीडियोज़ में बताया है आप जाके देख सकते हैं तो सिंपली आप ये कहकर अपना जो आंसर खत्म तो सकते हैं कि मैनुअल कॉन्टेंट का मतलब होता है जो किस लिए यूज किया जाता है हमारा नाइन्थ क्या क्वेश्चन हो सकता है नाइन्थ क्वेश्चन ये हो सकता है वो आपको पूछेगा कि स्मोक डिटेक्टर टू तो स्मोक डिटेक्टर जो है आपने अगर काम किया है तो आप बताइए उसका कनेक्शन कैसा होता है यानी बेसिक क्या उसका जो है फंडामेंटल है तो बहुत ही इजी तरीके से आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल होता है आप सिंपली उसे ड्रॉइंग बनाकर बता सकते हैं कि स्मोक डिटेक्टर में चार टर्मिनल होते हैं उसमें दो पॉजिट, पॉजिटिव इन नेगेटिव इन होता है उसके बाद पॉजिटिव आउट नेगेटिव आउट होता है उसी तरह से सेकेंड जो स्मोक डिटेक्टर होता है उसका जो इन है इसका जो पॉजिटिव इन है नेगेटिव इन है वो प्रीवियस डिटेक्टर के पॉजिटिव इन आउट और नेगेटिव आउट से कनेक्ट होता है बेसिकली एस बनाकर जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वैसा आप बता बनाकर उसे बता सकते हैं कि मैं इस तरीके से जानता हूँ उसी तरीके से स्मोक रेटेड टू एम कनेक्शन भी होता है मैंने ऑलरेडी जो वीडियो बनाया उसमें आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो आप जो है ये पेन पेपर पर बताकर उसको बता सकते हैं कि किस तरीके से इसका जो है बेसिकली लाइन uh, डायग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं एस बोलते हैं वो आप बना के दिखा सकते हैं हमारा तो लास्ट और टेंथ क्वेश्चन ये हो सकता है कि वो आपसे ये जानना चाहता चा, चा, होगा कि आपने अगर इंडस्ट्री में काम किया है तो आपने कौन कौन से पैनल देखे हुए हैं या आपने कौन से पैनल पर काम किया है तो आपने जो भी पैनल पर काम किया आप बेसिकली वो बता सकते हैं Uh, जैसे मैंने अगर काम किया तो मैं बता सकता हूँ कि अगर कन्वेंशनल मैंने काम किया तो मैंने रावल अग्नि इस पैनल पर पे काम किया है और अगर एड्रेसेबल की बात किया तो सिम्प्लेक्स हो गया नोटिफायर हो गया मॉरले हो गया हनी वेल well है कूपर है तो आप बेसिकली थ्री टू फोर जितने भी आपने अगर पैनल पर पे काम किया है उसी पैनल का आप नाम लीजिए ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि हाँ आपने इस पैनल पर पे काम किया और आपको इस पैनल का जो है नॉलेज है बेसिकली फायर इंडस्ट्री में अगर आप कोई भी पैनल लीजिए फंडामेंटल जो जो उसका फंडामेंटल है जो उसका प्रिंसिपल है वो बिल्कुल सेम ही रहता है बस खाली जो उसके प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है वो थोड़ी डिफरेंस होती है लेकिन जो उनका जो बेसिक जो थी थ्योरी है वो बिल्कुल सेम होती है तो आप जूस जींस पैनल पर काम किए हैं आप वो पैनल का नाम बताकर आप जो है इस आंसर को क्लोज कर सकते हैं दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मैंने जो टॉप टेन क्वेश्चन लिए हैं वो एक्स आ, फ्रेशर और इंटर्न जो सिक्स मंथ का एक्सपीरियंस है उनके बेसिस पर है बहुत ही बेसिक्स मैंने क्वेश्चन लिए थे इसके अंदर आ, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि गल्फ में मुझे जॉब करना है तो मुझे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना तो वीडियो बनाइए वीडियो बताइए बनाइए तो मैंने सोचा कि चलिए टॉप टेन क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में तो आप जो है ये सारे जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए इसके रिलेटेड भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं जैसा कि मैंने थंबनेल लगा लगा अगर आपको बताया है तो आप जाकर ये वीडियोस देख देखिए आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे पूरी तरीके से उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए और आपके फ्रेंड्स और कंपनी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर लीजिए मैं ट्राई करूंगा सेकंड पार्ट बनाने की और एक्सपीरियंस भी इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यूज़ में वो एड करने की कोशिश करूंगा चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय